प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर मंडलेश्वर द्वारा ADR सेंटर मंडलेश्वर में दिनांक 20 जुलाई 2023 को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों के लिए जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर नरेंद्र पटेल की उपस्थिति में मंडलेश्वर, महेश्वर एवं कसरावत के पैरा लीगल वॉलंटियर की ADR सेंटर मंडलेश्वर में दिनांक 13 जुलाई 2023 को बैठक आयोजित की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर नरेंद्र पटेल ने कहा कि दिनांक 20 जुलाई 2023 को ADR सेंटर मंडलेश्वर में ब्लड बैंक एवं जिला चिकित्सालय खरगोन के द्वारा शिविर लगाया जाएगा। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आज पैरालीगल वॉलंटियर्स को लेकर मीटिंग आयोजित की गई थी, क्या कुछ था सर? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 20 जुलाई 2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। पैरालीगल वॉलंटियर के मध्य इस संबंध में मीटिंग रखी गई थी कि रक्तदान के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना है, और हम यदि अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करते हैं तो वह रक्तदान करते हैं। रक्तदान महादान है, रक्तदान से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, इसलिए सामान्य जन से आग्रह है कि वह रक्तदान करें। जो भी रक्तदान करने में सक्षम है उनसे मेरा आग्रह है कि दिनांक 20 जुलाई 2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर में रक्तदान शिविर में उपस्थित रहें और रक्तदान में अपना सहयोग प्रदान करें। सर, अभी कुछ बारिश का मौसम चल रहा है तो वृक्षारोपण को लेकर भी कुछ चर्चा की गई थी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पंचजय अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। बारिश के मौसम में हम यदि कोई पौधे लगाते हैं तो निश्चित रूप से वह सफल होते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पैरालीगल वॉलंटियर को प्रेरित किया गया कि वह अधिक से अधिक सामान्य जन को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें और उनसे लगवाए। उसी के साथ साथ यह भी उनको अवगत कराया गया कि वह ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहाँ पर हम उस पौधे को लगाएंगे, वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो और वह पौधा सुरक्षित रहे। इस संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया था। मेरा आप सभी सामान्य जन से भी आग्रह है कि हम हमारे पर्यावरण में सुधार करने के लिए जिस प्रकार से पर्यावरण खराब होते जा रहा है उसको हमें सुरक्षित रखना है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम सबका कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक संख्या में पौधों को लगाएं और उन पौधों की सुरक्षा करें और उन पौधों को हम बड़ा करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।